हाय, माय नेम इज मुकेश और आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में और एक नए सीरीज के साथ। इस सीरीज का नाम है यू मी एंड ट्रेड। जैसा कि आप थंबनेल्स देख रहे हो, उस थंबनेल्स में लिखा है स्ट्रेटजी विद ऑब्स्ट्रा, बैंक निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो है क्विक एक्शन स्ट्रेटजी। इस क्विक एक्शन स्ट्रेटजी में हम काम कैसे करते हैं और वो भी काफी अच्छा खासा हम प्रॉफिट कमाते हैं, वो हम कैसे करते हैं उसका मैं आपको कुछ इसमें मैं प्रैक्टिस भी करूंगा और आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आपको इस स्ट्रेटजी को कैसे करना है। ये स्ट्रेटजी उन सारे हमारे न्यू बिगनर्स जो बिगनर्स हैं उन लोगों के लिए जो नए ट्रेडर्स हैं, बैंक निफ्टी में काम करना चाहते हैं और क्विक पैसा बनाना चाहते हैं और वो भी बहुत छोटे से अमाउंट से, तो वो कैसे करेंगे, राइट? तो वो आप उनके करने उन लोगों के लिए ये वीडियोज हैं। और ये वीडियोस में आपके पास अगर 6000 से 10000 के बीच में है तब ये स्ट्रेटजी के लिए तब बहुत ही परफेक्ट बनता है, जहां से आप पैसा बना सकते हैं। मैं आपके लिए दो तीन पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स पे मैं डिस्कस करूंगा, ताकि और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपके पास बहुत लिमिटेड अमाउंट है, 5000 से नियर अबाउट 6000 के बीच में है और आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो भी क्विक मनी पैसा बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब मैं इस वीडियो स्क्रीन में डायरेक्ट सीधा मैं ऑब्स्ट्रा पे ही चलता हूँ, ताकि वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि आपको काम कैसे करना है और क्या क्या रूल्स हैं, उस रूल्स को हमें फॉलो करना है। और 14th को क्योंकि हमारा जो एक्सपायरी है वो 14th एक्सपायरी फैब का हमने लिया है और दो एक और एक्सपायरी को मैं लेके आऊँगा, तो 21 का भी लेके मैं देखूंगा। दोनों के स्ट्रेटजी को मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। नाउ अगेन 14th ऑफ फैब का एक्सपायरी का हमने लिया, 14th ऑफ फैब का एक्सपायरी का है और आपको सीधा 10 बजे आपको यहाँ पे आना है। ये जो क्विक हमारा एक्शन है और ये सीधा आपको आना है 10 बजे के बाद ही हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट? चलिए रूल्स नंबर वन इसमें ये है, आपको 10 बजे के बाद एंट्री लेना है। और सेकेंड रूल्स नंबर टू, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें अगर आपको 1000 से ज़्यादा का लॉस हो रहा है तो आप वहाँ पे तुरंत से इमीजिएटली स्टॉप कर देंगे, राइट? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, रूल नंबर वन, 10 बजे आपको एंट्री लेना है। रूल नंबर टू, आपको क्विक एक्शंस लेना है। रूल नंबर टू में क्या एक्शन लेना है कि जैसे ही आपको लगता है कि 1000 से ज़्यादा का हमें लॉस हो रहा है तो आप वहां पे दम इमीजिएटली बाहर निकल जाए। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, 1-2 कैंडल्स और हम देख लेते हैं, तो चलो 1000 से ज्यादा 1100 और 1200 के बीच में आता है, तो उससे ज्यादा नहीं तो आप बहुत बड़े लॉस में चले जाएंगे, राइट? तो बस दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें डिस्कस करना था और मैंने आपको बता दिया। हम इसको करते क्या है, बैंक निफ्टी में मैं काम कर रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको वो प्राइस एक्शंस को देखना, प्राइस को एलटीपी को देखना जो 100 के नियर अबाउट है, मींस दोनों को कैलकुलेट करें, मींस अगर हम बाय साइड को और सेल साइड को दोनों साइड को हम देखें तो वो 100 से दोनों मिला के 200, 210 और 220 के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं ये नियर अबाउट, अब यहाँ पे बाई कितने का बन रहा है, हमें 108 का है, तो चलिए हम बाई 108 का हमने एक बाय कर लिया और यहाँ पे दूसरा हमारा बाय सेल साइड का जो बन रहा है पुट साइड का वो 85 का है, क्योंकि वो 21 का है, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 210 और 215 और 220 के बीच ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम एक किसको ले रहे हैं, 185 का ले रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक बाय इसको कर ले रहा हूँ, राइट? अगर हम दोनों को जोड़ के देखें तो नियर अबाउट वो 200 के बीच का ही हो, करेक्ट? चलिए अब मैं इसके पास आ रहा हूँ, आपका फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको लॉस अगर यहाँ पे 1000 और 1100 इसके बीच में होता है तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा होता है तो इमीजिएटली आप इसको स्क्वायर अप कर लेंगे, राइट? चलिए यहाँ पे मैं आप दूसरा ये भी देख लेते हैं कि चल के अब हमारा क्विक एक्शंस है, राइट?
यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और क्विक एक्शन आपको समझ में आ गया क्या करना है। यहाँ पे हम 5-5 मिनट्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप देखो क्या हो रहा है। नेक्स्ट 400 है, 250, 87 का प्रॉफिट, 35 का लॉस, अगेन 426 का लॉस, 400 का समथिंग लॉस, 380 का। चलिए मैं 15 मिनट से आगे बढ़ते हैं तो शायद थोड़ा फास्ट हो जाएगा, राइट। 543 का हमें प्रॉफिट, उसके बाद मैं देख रहा हूँ 225 का प्रॉफिट, 255 का लॉस, 600 का प्रॉफिट्स लॉस, 113 का प्रॉफिट, 618 का प्रॉफिट नाउ। और मैंने आपको ये कहना भूल गया कि थर्ड पॉइंट हमारा इसके पास लास्ट पॉइंट यही है कि जैसे ही आपको दिख रहा है 2500 और 2600 जो भी 3000 के अंदर में आपको प्रॉफिट दिखते हैं, आप इमीडिएटली बुक कर लें, वहां से बाहर निकल। करेक्ट, हमें यहाँ पे दिख रहा है 2645, आप यहाँ पे इमीडिएटली बुक करें, या फिर इसको हम देखने नेक्स्ट चलें, हो सकता है आपको कम हो जाए, हो सकता है ज़्यादा हो जाए, कम ही हो गया। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस प्रॉफिट को 2000 नियर अबाउट कितना था 600, हमें इसको बुक करना है, आपको यहाँ पे बुक करना है। तो हम 12:30 में यहाँ पे चल के देखते हैं 12:30 में हम कहाँ पहुँच चुके हैं, नियर अबाउट 11 और 12:30 यहाँ पे, राइट। आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। चलिए, आपको ये लगता है कि यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं 1 o'clock तक, आप देखो, लेकिन मेरा टारगेट यही होता है हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें और इसके अलावा कुछ भी नहीं, नहीं तो आपको शायद लॉस ही होगा। हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए, बट ज़्यादातर लॉस ही होते हैं। चलिए, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, बट हमारा 2600 में हम वहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। आपको यहाँ पे लगता है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ये हमारा स्ट्रेटजी है और इसी स्ट्रेटजी पे हम काम भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत कम पैसा है तो आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दे के चला जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, हम इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे दिखते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे, यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये मूवमेंट बहुत अच्छा दिख रहा है, देन अगेन आप यहाँ पे कर सकते, राइट, बट वन साइडेड मूवमेंट होगा जो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, करेक्ट। चलिए, हम यहाँ पे भी करके एक बार देखते हैं कहाँ पे, इस जगह पे, क्योंकि अपर डायरेक्शन की तरफ पे यहाँ पे बन रहा है वो नियर अबाउट 2, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि 2 बजे के बाद एक नया सा मूवमेंट चेंज होता है, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, 2 बजे का मूवमेंट चेंज दिख रहा है, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कम्प्लीटली 1, 2, 3, 4, 5 times, 6 times कंसोलिडेट अलग अलग कैंडल्स बना रहा है 5 मिनट का, जो यहाँ से एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बना के दे रहा है। अगर हम यहाँ पे भी एंट्री लेते हैं तो आपको एक अच्छा क्विक एक्शंस जो हम कहते हैं वो भी आपको यहाँ पे बना के दे देगा। चलिए, 2 बजे का हम चेक करते हैं नेक्स्ट, वहाँ पे 2 बजे का भी हम देखते हैं कि हमारे पास बना के देखते हैं, इसको क्लोज कर दिया। चलिए, हमारा सिमुलेशंस का रूल्स क्या है, रूल नंबर 1, हमें 100 के बीच में जो भी होगा उसको हम बाय करेंगे, राइट। तो अभी हमारे पास क्या है, 75 का ये भी है, 75 का ये, इससे ऊपर कोई दिख नहीं रहा है, तो अब हमारे पास यही है जिसको हमें बाय करना है, राइट। तो एक हमने बाय कर लिया यहाँ पे, अगेन दूसरा भी हमने यहाँ पे बाय कर लिया, चलिए ठीक है, बेस्ट तरीका हमने यहाँ पे बाय कर लिया। अब क्या होता है, उसके बाद हमारा एक सिमुलेशन बन के तैयार है, और क्विक एक्शन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्विक एक्शन ये है हमारा, जैसे ही 1000 से ज़्यादा का लॉस होता है हमें वहाँ से बाहर निकलना है, दूसरा 2000 से के बीच में 1600 टू 2000 और 3000 ये मान के चलते, ज़्यादातर हमारा रहता है 1600 से 2000 के बीच में हमें प्रॉफिट होता है तो हम इमीजिएटली बाहर आ जाते हैं, यही एक तरीका है। और इसमें हम आगे चल के देखते हैं क्या होता है, 5 मिनट्स की जगह पर 15 मिनट्स के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं तो आपको 1996 नियर अबाउट हो रहा है, फिर अगर बढ़ जाते हैं तो नियर अबाउट 2226 का बन रहा है। चलिए, थोड़ा सा मैं और बढ़ने की कोशिश करता हूँ, देख लेते हैं, 4000 का बन जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा है,
आप इमीडिएटली लेके बाहर निकले, ये क्विक एक्शंस हैं, राइट। हमारा क्विक एक्शंस शायद आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से काम भी कर रहे हैं। नाउ ये 45 तक किया है, तो अगर हम 45 तक का वेट कर लेते तो आपको एक और भी अच्छा खासा, अगर हम कैंडल स्टिक को देख रहे हैं और कैंडल स्टिक ऊपर की तरफ बन रहा है तो अपॉर्चुनिटी को हम ले सकते हैं। तो हमारा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत अच्छा बन रहा है और 8291 का नियर अबाउट बन रहा है, हम यहाँ पे लेके बाहर निकल रहे हैं इमीजिएटली, करेक्ट। तो लेके हम बाहर निकल गए। और हमारा अगर आप ये देखना चाहते हैं कि यहाँ से इसी कैंडल स्टिक पे रुके, ये कंप्लीट होके 1445 यहाँ तक हम 50 तक में आ गए, यहाँ से हम बाहर निकल जा रहे हैं। बाहर निकलने के से हम तो चले गए, अब क्या हो गया कि ये जो कैंडल्स हैं, ये वाला चीज़, इसको अगर हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं, चलिए हम इसको स्टॉप कर देते हैं, नियर अबाउट ये कहाँ पे गया है, जो हमारा पीएनएल में चलेंगे तो इसका हमें दिख रहा है 669, करेक्ट। जो 75 का वो था 669 का नियर अबाउट हो चुका है, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं 669 पे, हमने इसको क्लोज कर दिया 669 पे, इसको क्लोज कर दिया, करेक्ट। ये अब क्लोज हो गया। अब चलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं, ताकि आपको ये यहाँ पे 67,000 का हो ही गया है, हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये आपको बन गया यहाँ पे, राइट। तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, फिर से मैं यहाँ पे बना लूँ नियर अबाउट, ये यहाँ पे नियर अबाउट 2050 का, मैं 2:50 पे हम चल के एक और सिमुलेशन बना लेते हैं, ताकि हमको वो भी प्रॉफिट हो सके, राइट। चलिए हम चल के वो भी बना के देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अब कोई इस तरह का भाई नहीं 100 रुपया, और उसमें चलते हैं, इसी को हम एक बार सेल कर लेते हैं, इसी को हम बाय कर लेते हैं, इसी को बाय कर लेते हैं, राइट। चलिए ये क्विक एक्शन में हमें, अब हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, बस 3 बजे तक का है, इसको हम सीधा लेके चलते हैं 15 मिनट्स का, अगेन एक 15 मिनट्स का, 2-3 बजे के नियर अबाउट हम हो चुके हैं, और हमारे पास एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन के तैयार है, राइट। 2035 का नियर अबाउट बन के तैयार है, तो हमने प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो आपको मैंने ये कहा कि ये क्विक एक्शंस हैं, आपके पास बहुत कम पैसा है तो आप कर सकते हैं। एक हम और एक्सपायरी को लेके देखते हैं, एक एक्सपायरी को हम नेक्स्ट एक्सपायरी ले लेते हैं 21 का, इसमें भी नेक्स्ट 21 का एक्सपायरी ले लेते हैं, इसको भी चेंज करते हैं 21 का, ये हमारा फरवरी, इसको भी हमने चेंज कर लिया 21 का। तो हमारे पास एक सिमुलेशन बन के तैयार है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको हमें डिलीट कर देना है, उसके बाद यहाँ पे सीधा 10 बजे पे हमें आना है, राइट। 10 o'clock, चलिए 10 बजे का आ गया। अब मैं आपसे ऑप्शन चेंज को हमने ओपन कर लिया, सीधा हम यहाँ पे आ जाते हैं। अगर आप 100-100 नहीं तो इसी को आप बाय करो और इसी को सेल कर दो, तो आपको एक अच्छा खासा, क्योंकि हम ज़्यादातर ये करते हैं कि लगभग बराबर में जो हो उसको हम सेलेक्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। चलो हम इसको बाय कर लेते हैं, 200 के नियर हो जाएगा, 1-1 बाय कर लिया। अब दूसरा ये इसके पास है तो हम इसको बाय कर लेते हैं, दोनों इक्वल्स हो जाएंगे, तो चले बहुत, ये भी बहुत अच्छा हमारे पास बन जाता है, सिमुलेशंस काफ़ी अच्छा सिमुलेशंस होता है। चलिए हम इसमें देखते हैं, क्विक एक्शन लेना है, क्विक एक्शन नंबर वन, हमें क्विक एक्शन में 1000 से ज़्यादा का लॉस होता है तो हमें इमीडिएटली इस सिमुलेशन से बाहर निकल आना है। दूसरा है कि हमें 1000 से नियर अबाउट 3000 के बीच में प्रॉफिट होता है, तो हमें प्रॉफिट लेके तुरंत इमीडिएटली बाहर निकल जाना होता है। चलिए हमें 10 लिया है तो 11 o'clock तक हम चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि हमारा क्या हो रहा है, राइट। चलिए हम प्रॉफिट में ही हैं, प्रॉफिट में ही हैं, और 11 o'clock तक में हम प्रॉफिट में थे। नेक्स्ट हम पीछे चले जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा, यहाँ पे 2400 मैंने आपको बोला था कि जैसे ही आपको 2400 की नियर अबाउट में आता है, 1500-1600 की 2000 इसके बीच में आता है, आप प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाए। नेक्स्ट 11 o'clock, मैं चलता हूँ 11 o'clock के तक में, ताकि आपको यहाँ पे
प्रॉफिट के नहीं हुआ, और जो हैंडसम अमाउंट था वहाँ पे अगर आप आते हैं तो नेक्स्ट अगेन मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसमें आपने 21 को ये प्रॉफिट हमारा हुआ, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे हमारा ये बना और हम इसको डिलीट कर दिए, राइट। 11 ओ क्लॉक को अगर आपको देखना है, अभी हम चार्ट पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि चार्ट पे हमें जाना चाहिए, 21 पे हमें देखना है कि कहाँ पे हमने जो जनरेट किया था वो कैसा रहा और यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट। चलिए चल के हम देखते हैं, ये हमारा 21 का है, राइट। 10 बजे हमने एंट्री लिया था, यहाँ पे एंट्री लिया था इस जगह पे सर, यस यहाँ पे एंट्री लिया था और हमें ये अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दिया 11 ओ क्लॉक। अब क्या हो रहा है, 11 ओ क्लॉक में मैं फिर से एंट्री यहाँ पे लेना था 11 ओ क्लॉक के बाद, एक हम एंट्री यहाँ पे 11 ओ क्लॉक को फिर से लेते हैं, वो हमारा ख़त्म हो गया, दूसरा 11 ओ क्लॉक को हम फिर से एंट्री ले लेते हैं, राइट। एक हम बाई कर रहे हैं फिर से, अगेन हम दूसरा यहाँ पे बाई कर रहे हैं, करेक्ट। अब फिर से रूल्स मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, रूल्स नंबर 1000 से ज़्यादा हमारे पास अगर लॉस होता है हम निकल जाएंगे, और क्विक एक्शंस हमें दिखाना है, प्लस प्रॉफिट हमें कितने पे कमाना है, प्रॉफिट हमारा 2000, 2600, 3000 अगर मिल जाता है तो हम लेके बाहर निकल जाएंगे, राइट। 11 है तो हम 12 तक चल के देखते हैं, सीधा मैं आपको 30 मिनट्स पे लेके चलता हूँ, चल के देखते हैं, राइट। 15 मिनट का आप लेके चलते हैं, देखते हैं सारे वर्क कहीं पे कुछ होता है क्या, प्रॉफिट हो रहा है। अब मैंने आपको रूल्स के हिसाब से मैं वहाँ को 1400 के नियर अबाउट आ चुका हूँ, अब आपके पास है कि यहाँ से आप प्रॉफिट करके बाहर निकलें, नहीं तो आपको लॉस ही होगा। आप आगे चल के देखते हैं, ये आपको माइनस में ही जा रहा है, 800 से ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो बेस्ट तरीका हमने आपको पहले से ही बताया कि आपको करना क्या है, 1500 और 1600, 2000 मिल जाता है तो बेस्ट तरीका है कि आप वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करके बाहर निकल जाए, यही आपका बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है, आपको क्विक एक्शंस क्विक मनी तरीके से पैसा कैसे बनता है ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। इसके आगे और भी कुछ प्रैक्टिस जो भी है आप उसको लगातार प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस आ चुका होगा और आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, राइट। चलिए करेक्ट तरीके से अगर हम यहाँ पे ये देखें, नियर अबाउट ये कहाँ पे चल गया, एक वैसे ये नियर अबाउट 1 o'clock पे हम हैं, राइट, 1:45 के यहाँ चल के, अगर फिर हमारे पास बहुत अच्छा एक मौका मिला है 2 बजे के नियर अबाउट, अगर 2 बजे के बाद कम्प्लीटली मार्केट सडनली चेंज हो चुका है और चेंज हो चुका है, अगर उसकी भी अपॉर्चुनिटी आप देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हैं, सीधा हम इसको 2 बजे पे लेक चले, तो आप यहाँ पे मेरा करना इतना है। अगर आपके पास बहुत कम है, लिमिटेड अमाउंट है और आप पैसा भी कमाना चाह रहे हैं, तो आपके पास स्ट्रेटजी भी को यूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि विदाउट स्ट्रेटजी आप ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना है, और ये स्ट्रेटजी आपके लिए परफेक्ट बैठता है, इसलिए मैंने आपको कहा कि इस स्ट्रेटजी को हम क्विक एक्शंस लेना होता है। और यहाँ पे अगर आप फिर सेकेंड बाय वन मैंने बाय कर लिया, एक दूसरा बाय कर लिया, और चलिए मैं इसको जरा चल के देखते हैं, 15-15 मिनट्स का लेके हम चलेंगे, करेक्ट 30 मिनट्स को लेके चलते हैं, लॉस में अभी दिख रहा है, लॉस में दिख रहा है, ये 30 मिनट्स में कंप्लीट हो चुका है, हमें लॉस ही है। अगर हम पीछे चल के देखते हैं तो थोड़ा सा 15 मिनट में, क्योंकि हम 30-30 मिनट पे लेके चल रहे थे, राइट, तो क्विक एक्शंस में हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखने को नहीं मिल रहा है, फिर भी हम चल के थोड़ा सा देखते हैं, अगर नहीं मिल रहा है हमारा वो जो प्रॉफिट कमाने का वो था, यहाँ पे 300 नियर अबाउट बन रहा है, 300 लॉस, ये भी लॉस आ रहा है, कहीं हमें प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, और चांसेस 2003 तक हम पहुँच चुके हैं,
जरा हम चार्ट को भी चेक करें तो चार्ट हमारा नियर अबाउट कहाँ का है, 21 का, यहाँ से नीचे जा रहा है 2 बजे के नियर अबाउट, प्रॉफिट तो होना चाहिए बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो व्हाई। चलिए, और 3 बज चुका है, 3 बजे नियर अबाउट हम यहाँ पे हैं, करेक्ट, यहाँ से नीचे आना चाहिए 15 मिनट पे लेके चलते हैं, फिर यहाँ पे लेके चलते हैं, तो आपको वही नियर अबाउट 600 का माइनस में ही है, हमें प्रॉफिट नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा होता है, क्विक एक्शन मैंने आपको बताया 1000 से ज़्यादा हमें लॉस नहीं करना है। इस 2 बार जो हमने किया उसमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया, इसमें नहीं किया कोई बात नहीं, यही तो बिजनेस है जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ, बट आपके बहुत लिमिटेड अमाउंट्स में ही आप ये बिजनेस को किया है और आपने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना है, यही हमारा तरीका था जिसको हमने आपको समझाना था, जो हमने आपको बताया अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया। आप अगर लिमिटेड अमाउंट्स में काम करना चाहते हैं और इस तरह से क्विक एक्शंस के हिसाब से, तो आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं, यही हमारा मोटिव था आपको समझाने का, और इसमें शायद आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो कि हमें अगर इस स्ट्रेटेजी पे भी काम करते हैं तो आपको कैसे पैसा बनाना है, राइट। चलिए, इस आपको इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा, और कल, क्योंकि मैंने जो अभी 2-3 एग्जाम्पल दिया, इन सारे एग्जाम्पल को आप रिपीटेटेबल तरीके से आप देखें, 2-3 बार आप देखें और कल के लिए आप प्रिपेयर हों, और जो भी स्ट्रेटेजी आपको सही नज़र आता है, जो भी स्ट्रेटेजी आपके पास परफेक्ट लग रहा है कि इसको काम करेंगे, हो सकता है परफेक्ट काम कर जाए, तो आप उसको जरूर इम्प्लीमेंट करें और यूज़ करें और प्रॉफिट जनरेट करें, राइट। आपको लगता है कि हमारा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कुछ हेल्प कर रहा है, ताकि आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करा सकते हैं और कर सकते हैं, तो आप इसमें इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।